छतरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब नेता नहीं बचे हैं। उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा कि इस चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सीट के सांसद बीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने कहा था कि वे मुख्यमंत्री तौर पर 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, लेकिन उन्होंने अपने ही घर में झंडा फहराया। कांग्रेस में नेता नहीं बचे हैं। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर उन्होंने कहा, कभी सोनिया गांधी अध्यक्ष बन जाती है तो कभी राहुल गांधी। कांग्रेस के झूठ कपट को जनता ने जान लिया है और चुनाव में भाजपा की भारी मतों से जीत होगी। हालांकि चंदला में अवैध रेत के मुद्दे को लेकर बीडी शर्मा बचते नजर आए। नेता कमलनाथ जी कह रहे थे कि 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे, आपने देख लिया झंडा फहरा दिया। वो अब आगे की भी सपने देख रहे हैं। मन में कोई लड्डू खाए तो खाए, हमको क्या अंतर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी 27 की 27 विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत से जीतेगी, ये दृश्य आप देख रहे हैं, जनता जानती है। इनके झूठ और छल कपट को मध्य प्रदेश की जनता ने अच्छे से पहचाना है। कांग्रेस बड़े नेताओं को कांग्रेस नेता कहा है कि देश के अंदर राष्ट्रीय अंदर ढूंढते ढूंढते सालों निकल गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बाप बेटे के अलावा दूसरा नेता नहीं मिला। और कई कोई कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जीतू पटवारी किसी भी तरह का अवैध काम नहीं होने देते। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।